हेलो वेलकम बैक टू YouTube चैनल HSG Vlog फ्रॉम दिस साइड हरमन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं गाइस। तो हां जी, आज गाइस हमने सोचा कि मोटर व्लॉग करते हैं, और मोटर व्लॉग का रीजन बेसिकली ये है कि आज मैंने नया माइक लिया और मुझे इसको टेस्ट करना है, क्योंकि संडे राइड के लिए मैंने उस माइक को परचेज किया था। तो मुझे भी एक बार चेक करना है कि उसमें आप लोगों को साउंड अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा होगा तो गाइस आई ट्राई कि मैं एक नया माइक और ले लूं। बाकी आप लोग मुझे बताना कि माइक की क्वालिटी कैसी है, साउंड में कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज गाइस मुझको कमेंट के नीचे जरूर बता देना, और ब्लॉग्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। एंड गाइस आई हैव डिसाइडेड कि वीक में दो ब्लॉग्स जरूर आएंगे, कुछ भी हो जाए वीक में दो ब्लॉग जरूर आए करेंगे। एंड साथ ही साथ जो हमने नए गिफ्ट खरीदे हैं उनको भी हम बहुत जल्दी आप ही के सामने इसी चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग करेंगे। इस पहले जितनी भी मेरी वीडियोज हैं, जैसे आपने पहली वीडियोज को प्यार दिया वैसे इन वीडियोज को भी प्यार देते रहना, और चलो मिलते हैं मोटर व्लॉग सेटअप पे। मैंने भी जस्ट चेक कर लिया, रिकॉर्डिंग बहुत सही हो रही है एंड प्रॉपर एंगल भी इस पर अच्छा आ रहा है। तो आई नो कि आप लोगों को मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। यार एक बार चेक कर लूँ यार, मेरे को ना पेट्रोल कम लग रहा है इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। ऑल्दो उछल रहा है बट स्टिल पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या ये है कि मैंने ना एंगल बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया था अपने कैमरे का ना, जिसकी वजह से जितनी भी रिकॉर्डिंग बनी है ना लाइक कैमरे में, जितना भी रिकॉर्ड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक का रिकॉर्ड हो रहा था, सामने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। और यार मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा, माउंट जो नए मंगाए थे ना उनमें से एक छोटी क्लिप थी वो मैंने लगा के निकाल दी थी, जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से ना मेरा कैमरा हिल रहा है। और आई थिंक वो मेरा बहुत बहुत गलत डिसीजन था, वो मुझे क्लिप लगी रहने देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मैं जब जैसे चेक कर रहा हूँ ना तो मेरे व्लॉग तो बन रहा है और साउंड भी अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, बट जो क्लिप है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड हुई है, ऐसे नहीं हुई सामने की। तो यार ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है मेरे से ना, और मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई ट्राई कि जब मैं ऑफिस पहुँचूँ ना, सबसे पहले मैं अपनी क्लिप्स को ढंग से एक बारी देख सकूँ, एंड देन उसके बाद मैं इनको एक्सपोर्ट करके ना क्लियर कर दूँ मेमोरी कार्ड को, सो दैट वापसी के टाइम आपको एक अच्छा सा और ब्लॉग दिख जाए। चलो हम साइड से निकल दे कि अगर कोई बंदा टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देख रहा है और साथ ही साथ में मुझको अप्रिशिएट कर रहा है कमेंट्स दे दे के, तो यार आई थिंक उससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने चैनल को जितना हो सकेगा उतना ग्रो करने की कोशिश करूँगा, और कंटेंट वाइज मैं अपना हो सकेगा उतना अच्छा कंटेंट अपडेट करूँगा, सो दैट सारे लोग जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं वो और इन्जॉय करें। तो पेट्रोल जो मैंने डलवाना ना, मैं लेफ्ट साइड से डलवाऊंगा। हाँ जी, तो गाइस सीन क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ आपको। सीन ऐसे हुआ कि जो मेरा कैमरा था ना वो होना चाहिए था फेस पे इस जगह पर, जिससे आगे का बहुत बढ़िया व्यू बन सके, बट हुआ क्या, कैमरा डाउन हो गया और कैमरा चला गया ऐसे। उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी मैंने क्लिप्स बनाई ना उन सब में सिर्फ एक ही चीज़ शो कर रही थी, वो था टैंक पैड। सिर्फ टैंक शो कर रहा था और हमारी लाइट शो कर रही थी बाइक की, उसके अलावा कुछ भी नहीं शो कर रहा था। तो मैंने इसी रीज़न की वजह से ना वो सारी क्लिप्स रिमूव कर दी, और वो रिमूव करने का रीज़न यही था कि व्लॉग छोटा बना है इस बारी। मैंने यार मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसमें इतना प्यारे प्यारे मैंने शॉट्स लिए थे ना, इतनी मैंने बाइक को लीन करा था, उस सारे शॉट्स जितने भी थे ना वो सब मुझे काटने पड़े। बट अब क्या कर सकते थे यार, करना था आप लोगों को जो बढ़िया चीज़ दिखानी, मैंने अपने चैनल पर प्रॉमिस करा वैसे ही करना। एक चीज़ और अपडेट देना चाहूँगा गाइज, मैं बहुत टाइम से एक हेलमेट की वेट कर रहा था, बहुत टाइम से, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने से मैं उस हेलमेट की वेट कर रहा था, जस्ट बिकॉज मेरे साइज़ की वजह से। फाइनली वो हेलमेट हमें मिल गया। हाँ जी, वो हेलमेट हमारा फाइनली आ चुका है, और वो कल हेलमेट हमारा हम शॉप से पिक कर लाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, तो इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं कहीं शो कर रहा है, इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी से मुझको फॉलो कर लो, क्योंकि हेलमेट हमने वहीं पे दिखाना है। यूट्यूब पे थोड़ा लेट आ सकती है वीडियो, बट हेलमेट हमने वहीं पर दिखाना है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि नई अपडेट वहीं पे ज्यादा जल्दी आ जाती है। हाँ जी गाइस वेलकम बैक। हाँ जी, तो मोटर व्लॉग करने का टाइम आ चुका है। टाइम हो रहा है इस टाइम रात के 2, एंड मैं भी जस्ट काम से निकला हूँ, और ये खड़ी अपनी बगीरा, सो लेट्स गो गाइस। फाइनली मेरी फेवरेट रोड पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं डेली बुलेट ना अपनी 100-150 मतलब 120-130 के आसपास लगा देता हूँ, और लग तो ये 140 के आसपास जाती है, बट मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि इस रोड पे एकदम से भी कहीं गाड़ी आ जाए, क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी नहीं है। तो हाँ, लगाएंगे इसको भी किसी हाईवे पे, बढ़िया हाईवे मिलेगा ना तो वहाँ पे लगाएंगे इसको अच्छे से, और 100-110 तक तो मैं इसी रोड पे लगा देता हूँ इसको, और तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है इसका,
इतनी लगाने का। अब ये देखो 100 समथिंग ये चली गई है। ओह माय गुडनेस, अभी मेरा टायर स्लिप होता गया ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये बीच में जो स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप के ऊपर टायर कभी भी टर्न हो जाता है अगर आप एक साइड से लेफ्ट से राइट हो रहे हो या राइट से लेफ्ट हो रहे हो। बट अपनी किस्मत अच्छी है कि रुकना नहीं पड़ा, और अभी भी कानों में एक ही सिंगर चल रहा है, वो है सिद्धू मूसे वाला, दिल नहीं मारा तेरा सिद्धू मूसे वाला। जो उसने दुनिया कमाई है ना, उसने दुनिया नहीं कमाई, उसने डाई हार्ट फैन कमाए हैं। और फैन ये नहीं है कि कोई बच्चे हैं या कोई एक एज के हैं, बूढ़े भी फैन है उसके। मेरे को याद है जिस टाइम सिद्धू के बारे में मुझे पता चला था लास्ट ईयर, मैं शॉक्ड हो गया था। मैं बाइक चला रहा था उस टाइम, मैं मोटर व्लॉगिंग नहीं करता था, मैं यही बुलेट चला रहा था। और मेरे को याद है मेरे को जब दोस्त का कॉल आया ना कि सिद्धू मूसे वाले को गोली मार दी, मेरे को पहले ना एक बारी में ये लगा कि नहीं यार झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता यार किसी सिंगर को तुम गोली मार दी। ऑल्दो इतना बड़ा सिंगर है, उसके पास सिक्योरिटी है अपनी। बट जब उसने बोला ना कि नहीं हरमन सच्ची में गोली मार दी, मैं अपने घर के पास जो हाईवे बन रहा ना, मैं वहां पर था, मैं रो पड़ा था, एक्चुअल में रो पड़ा था। क्योंकि यार मैं सिद्धू को सुनता था उस टाइम, मैं कह ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा फैन था उस टाइम, बट यार उस बंदे ने ना खोगी टर्बन को, सरदारों के टर्बन को उस लेवल पे लेकर गया ना, जिस लेवल पे मेरे ख्याल से कोई सिंगर कोई आर्टिस्ट लेकर कभी जिंदगी में नहीं जा सकता। इस रीजन की वजह से उस बंदे ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया था यार, मतलब कितना बड़ा लॉस था एक म्यूजिक इंडस्ट्री को, एक माँ बाप के साथ कितना बड़ा लॉस हुआ था उस सिंगर की। मेरे को नहीं लगता कि कोई कभी कभी भी लाइफ में उस सिंगर का कोई जो कहते ना लेवल था, वो उस लेवल का कोई कभी सिंगर आएगा। हाँ दिलजीत दोसांझ बहुत अच्छा सिंगर है, और भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, शुभ बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत है पंजाबी इंडस्ट्री में इस टाइम सिंगर, बहुत बहुत मतलब पंजाब में इस टाइम पंजाबी इंडस्ट्री की अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ ना तो बहुत सिंगर हैं, बट सिद्धू जैसा कोई भी नहीं और ना कभी होगा। क्योंकि ना एक होता है ना कि एक एंजल होता है वो ऊपर से उतरता है और वो एक ही होता है, वैसे एंजल्स ना बहुत ही कम आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। और बस दुख यही था कि यार बहुत जल्दी चले गए, किस्मत में नहीं था मेरी कि मैं उनसे कभी मिल पाऊँ। मिलेंगे कभी ना कभी, क्या पता ऊपर जाके मैं भी जब जाऊँ उस टाइम चांस मिले सिद्धू को मिलने का वहाँ पर, बट मिलेंगे जरूर मिलेंगे। और वीरा जहाँ पर भी होगा ना आज के टाइम में, आई थिंक बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश होगा, बट बहुत गलत हुआ। मुझे यही लगता बार बार ना, गुरुद्वारा बंगला साहब आ चुका है एंड मैं अभी मत्था तो नहीं टेकूंगा, बट आई डू व्हाट आई यूजुअली डू। अरदास जरूर करता हूँ बाहर से ना कि परमात्मा हमेशा सुख शांति से रखियो, प्यार दियो, हमेशा चरणों के साथ लगा के रखियो। कभी कोई माड़ा टाइम आया है तो बस इतनी हिम्मत दियो कि उस माड़े टाइम में ना खड़ा हो सकूं, कभी सिर डाउन ना हो और तेरे अलावा किसी और के आगे सिर ना झुके कभी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, माड़े से माड़ा समा भी आ जाए, इतनी बख्शी हो कि तेरे अलावा किसी के आगे मेरा सिर ना झुके कभी भी। जैसा बोल रहा था कि रेड लाइट नहीं मिलेगी आगे, और राजीव चौक पे मिल गई पर ज़्यादा बड़ी नहीं, 10 सेकंड की रेड लाइट ही है, 10-15 सेकंड की रेड लाइट थी। पर आगे चलान लगा, मामियों का नाका लगा हुआ है नाका तोड़ना नहीं है, रोकेगा कोई नहीं क्योंकि साइलेंसर अपना है नहीं लगा हुआ इस टाइम, रोक भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, बात कर लेंगे, डॉक्यूमेंट अपने पास पूरे हैं। बस निकल गए मामों के नाके से, वहाँ से खाया हुई थी ब्लैक कलर की जो थर्ड जनरेशन उन्होंने अभी रिसेंटली परचेज की थी, तो जब उन्होंने वो ली थी ना उसका नाम उन्होंने रखा था बगीरा, और उसी के आसपास मैंने अपनी बुलेट ली थी। तो मेरे को भी अपनी बाइक को नाम देना था, बिकॉज मैंने जब बाइक ली थी ना उस टाइम मैंने एक बार सोचा था कि यार मोटर व्लॉग करा करेंगे, कैमरा खरीदेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वो करेंगे,
बट उस टाइम मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि आई नो स्टार्ट करने वाला बंदा फोन से भी कर लेता है, बट मुझको ना वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि फ़ोन को लगा कर करूँगा, एक तो मुश्किलों से मैंने आईफोन खरीदा है, और अगर मैं आईफोन लगा के व्लॉग करूँगा और कल को आईफोन टूट जाए, मैं उसको रिपेयर कहाँ से करवाऊँगा। ओह फक, सामने गाड़ी देखो यार, इज दैट पैना मेरा, इट्स BMW। ओह फक, क्या अमेजिंग लग रही थी यार, क्या सुंदर गाड़ी लग रही थी, मतलब अल्टीमेट यार, अल्टीमेट गाड़ी थी, अल्टीमेट गाड़ी। और मैं जो बोल रहा था ना वो सब भूल गया, मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों से। मेरे को पता नहीं क्यों सडनली जो गाड़ियों का शौक आया ना, और इसका मैं पूरा क्रेडिट सिर्फ एक ही बंदे को दूंगा, वो है JS फिल्म। मेरे को लिटरली शौक नहीं था गाड़ियों का, बाइक्स का, बट जब मैंने उनको देखा ना, फिर मेरे को अंदर से एक चुल मची कि यार नहीं, एक गाड़ी, एक स्पोर्ट्स कार या एक स्पोर्ट्स बाइक ना हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का स्टार्टिंग में ड्रीम होता है, बट एक चाहिए, सबको चाहिए होती, हर किसी का दिल करता है लेने का और हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती। चीज़ सोचता हूँ कि मेहनत, क्योंकि सिद्धू मूसे वाला इंस्पिरेशन लोगों की क्यों है, उसके गाने सुने होंगे आप लोगों ने, कि साइकिल से रेंज, एक साइकिल से रेंज रोवर पे पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस बंदे ने इतना पेशेंस कर लिया ना, मेहनत करी, बस यही है, जिसने मेहनत कर ली ना वो बंदा अपनी लाइफ बना लेता है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना, एंड ध्यान रखो अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।